हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मुराड़ी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यार कि अगर आप किसी कॉलेज का फॉर्म भरते समय अगर आप सभी को मार्कशीट अपलोड करने की आवश्यकता पड़ रही है ट्वेल्थ क्लास की, जिन स्टूडेंट ने अभी अभी ट्वेल्थ क्लास पास की है और उनसे मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो आप सभी को ओरिजिनल अपलोड करनी है या उसकी जगह कोई डुप्लीकेट जो आप सभी के जो रिजल्ट आए थे उसकी मार्कशीट अपलोड करनी है, तो कौन सी जो मार्कशीट है वो आप सभी के लिए वैलिड होगी, कौन सी नहीं होगी, तो इस वीडियो में जानेंगे। अगर यार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आप सभी को कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट्स, हर प्रकार की क्यूरीज़ का जवाब और एग्ज़ाम्स फॉरम्स, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट्स, इन सभी के बारे में हर प्रकार की अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा जो एग्ज़ाम जो एडमिशन फॉर्म की डेट है वो निकाल दी गई है और आई होप दैट कई स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म भी फिलअप कर दिए होंगे और कुछ स्टूडेंट्स ने जो अपनी ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट है उनमें डुप्लीकेट मार्कशीट अपलोड कर दी होगी, तो क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, तो मैं आप सभी को बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने अपने जो फॉर्म में ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट अपलोड डुप्लीकेट मार्कशीट अपलोड की है उन सभी का किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो और आप सभी लोग जिन स्टूडेंट्स के पास अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो वो स्टूडेंट्स डुप्लीकेट मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। डुप्लीकेट मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो डाला गया रिजल्ट है उसका स्क्रीनशॉट लेके या उसके जो प्रिंट निकाल के आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो जो वेबसाइट से जो डाउनलोड किया गया रिजल्ट है वो आप सभी के लिए मान्य होगा और उससे ओरिजिनल मार्कशीट की जगह आप वो मार्कशीट लगा सकते हैं। तो इससे आप सभी का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा उस जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी के सभी फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स ट्वेल्थ क्लास पास किए हैं और उन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए अप्लाई किया है तो आप हमें अपनी जो परसेंटेज है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम आप सभी को बता सके कि आपका जो सिलेक्शन होगा या मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए यार आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उन सभी का जवाब एक घंटे के अंदर आप सभी को दे दिया जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे। धन्यवाद।